नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। बिशन स्वरूप कॉलोनी में सुबह सुबह रिवॉल्वर लेकर निकला युवक ताबड़तोड़ फायरिंग कर मचाई दहशत। ढाई घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम विंडो की कमेटी ने 40 शिकायतों का किया निवारण। बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, 7 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तापमान। पानीपत शहर में हुई 8 mm बारिश। कर्ज उतारने के लिए 4 युवकों ने फाइनेंसर की हत्या कर लूटे थे 25 लाख रुपए। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर लिया गया 4 दिन की पुलिस रिमांड पर। CIA 3 की टीम ने बाइक चोरी और फोन झपट मारी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 बाइकें भी बरामद। DC सुशील सारवान के निर्देश पर विभिन्न विभागों के कार्यालय में किया गया सुबह 9 बजे निरीक्षण। सभी विभागों के 100 से अधिक कर्मचारी रहे लेट लतीफ। देरी से आने वालों की सूची बनाकर सौंपी गई DC को। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं, एक बार फिर सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। जेवर और नकदी लेकर चोर हुए फरार। LGM अश्विनी मलिक ने किया मतदाताओं से आग्रह, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर करें मतदान। देखिए, 19 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे से शाम को 6 बजे तक समालखा में हमारे जो 34 बूथ हैं उन पर 17 वार्ड नगर पालिका के जो हैं उस पर वार्ड मेंबर्स के लिए और समालखा में प्रधान पद के लिए, प्रेसिडेंट पद के लिए जो चुनाव हो रहा है उसकी वोट डाली जाएंगी। मैं सभी समालखा वासियों से उम्मीद करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर इस जो चुनावी त्यौहार है इसमें हिस्सा लेंगे तथा बिना किसी जाति धर्म और दूसरी चीज़ों के अपने मन की आवाज़ सुनकर जो ईमानदार प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है उनको वोट देंगे, जिससे उन्हें उम्मीद होगी वो इस समाज का नगर पालिका का विकास बिना किसी लोभ लालच के कराएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।